विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ घोषणा और जुमलेबाजी है। बजट में पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और कमाई को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने बजट में 20 लाख लोगों को रोजगार देने के प्रस्ताव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने नौकरियां देने के बारे में नहीं बल्कि रोजगार सृजन की बात की है। यादव ने 20 लाख रोजगार सृजन का ब्लूप्रिंट मांगा। उन्होंने कहा कई नियुक्तियां पहले से ही आधार में लटकी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बजट में सिर्फ घोषणाएं हैं, वही घोषणाएं हैं जो पिछले बजट में भी थी, वही योजनाएं, वही आवंटन, मतलब साफ है कि काम कुछ होता नहीं। हर वर्ष उसी बजट को पुनः दोहरा दिया जाता है। आज का जो धरना कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था? बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में हम लोग और कल जो बजट पेश हुआ है उसके बजट विरोध में। क्या इस बजट में क्या लगा आपको? इसमें युवा लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना गया गरीब पर ध्यान दिया है। बढ़ती हुई महंगाई, जो भी खाने में का जो पदार्थ है, आसमान छू रहा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी आपका पूरा नाम? सुभाष कुमार राय, नगर अध्यक्ष। आज का जो कार्यक्रम किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का हाजीपुर में जो कार्यक्रम हुआ है, जो बिहार में बजट पेश किया गया, उसमें युवा के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, किसान के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कार्यक्रम चलाते हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार भी बिहार में बजट पेश किए हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ भीख मांगने के लिए बजट तैयार किया गया है। कॉरपोरेट वाले के लिए ये बजट है, दलित पिछड़ा कलियत के लिए नहीं है, युवा के लिए नहीं है। रोजगार की बातें नहीं किया गया, शिक्षा की बात नहीं की गई है, इसीलिए आज उनका हम लोग पुतला फूके हैं, कटोरा और माने उस पर कटोरा लेके भीख मंगवाने का काम कर रहे हैं। यही हम लोग का आज का कार्यक्रम था। जी आपका पूरा नाम? बालेंद्र दास राजद, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष, वैशाली। जी धन्यवाद। आप लोग जो अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कल बिहार में बजट पेश हुआ है जी, और जिस तरह से युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं जी, युवा लोग बेरोजगार है। नीतीश कुमार जी एकदम जो घोटाला करने वाला नल जल योजना पे ध्यान दिए हुए हैं, और नल जल का हकीकत सब लोग को पता है। नीतीश कुमार जी को युवाओं के रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए। 15-16 साल से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, 14 साल में बच्चा भी बालिग हो जाता है। नीतीश कुमार जी का तो 16वां साल चल रहा है, अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं लग पाया है बिहार में। क्या इस बजट से आप लोग संतुष्ट हैं? इस बजट से हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम युवा लोग भीख मांगेंगे जी। हम लोग को तो भीख मांगने के कगार पे ला दिए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि युवाओं के साथ जो धोखा ही करते आ रहे हैं 16 साल से, मोदी जी भी ठग रहे हैं, नीतीश कुमार भी ठग रहे हैं, तो युवा करे तो क्या करे? भीख मांगे? भीख मांग कर अपना जीवन यापन करे? आपका पूरा नाम? निर्दोष यादव, युवा राजद।